लेट अस स्टार्ट विद एक्सो प्लैनेट्स एलियन वर्ल्ड। तो मैंने जानबूझ के ये टॉपिक रखा है, क्यों जैसे ही एलियंस ये नाम सुना तो ऑलरेडी एक्साइटेड मोड रहता है, बट एक्साइटमेंट का लेवल इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो एक्सो प्लैनेट्स एंड एलियन वर्ल्ड, तो लेट अस हैव अ लुक एट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सो प्लैनेट। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है देर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। द नियरेस्ट वन इज मर्क्यूरी, देन यू हैव विनस, देन वी हैव आर अर्थ, देन यू हैव मार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट ऑर्बिटल के हिसाब से नहीं किया है, आई जस्ट अरेंजेड अकॉर्डिंग टू द साइज। तो साइज वाइज अर्थ इज बिगर देन मार्स, मार्स हमारे बाद आता है, बट इट साइज वाइज इट इज स्मॉलर देन अस। तो ये 8 प्लैनेट्स है विच आर इन आर सोलर सिस्टम। डेफिनेटली प्लूटो था, अब नहीं है। क्यों? बिकॉज डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है। आई जस्ट टेल यू टू सिंपल रीजन्स वाई प्लूटो इज नो मोर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट नाउ। नंबर वन, इट इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? तो इट इज स्मॉलर देन फ्यू सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर। जुपिटर के सैटेलाइट ही उससे बड़े हैं। नंबर टू, उसका एसेंट्रिसिटी बहुत ज्यादा है। इट टेक्स टू मेनी ईयर्स टू कम्प्लीट वन अराउंड अराउंड अर्थ अराउंड सॉरी सन। तो वो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। इट इज नो मोर कंसिडर्ड एज प्लैनेट। तो प्लैनेट्स हमारे लिए 8 प्लैनेट्स है। देन एक्सो प्लैनेट मतलब क्या? सबसे पहले एक्सो प्लैनेट मतलब एक्स्ट्रा सोलार प्लैनेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सोलार प्लैनेट? तो अगर आप नाइट स्काई में देखोगे, बाय द वे जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया, अगर आप सिटी से थोड़ा बाहर जाते हो और अगर क्लीन स्काई है, और नॉर्मली वो विंटर में होता है क्योंकि विंटर में क्लाउड्स नहीं होते, तो आसपास अगर कोई लाइट पोल्यूशन नहीं हो तो यू कैन सी अराउंड 6,000 स्टार्स विथ योर नेकेड आई। तो 6,000 स्टार्स हम देख सकते हैं। तो नॉर्मली हम नाइट स्काई में क्या देखते हैं? वी सी स्टार्स। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी आर स्टार्स। मैंने बोला मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ वेरी सिंपल रीजन। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में देखा था, यू कैन ऑल्सो सी सैटेलाइट्स। सैटेलाइट के ऊपर भी लाइट्स होते हैं व्हेन इट गोज अराउंड अर्थ, यू कैन इवन सी सैटेलाइट ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी आर स्टार्स। अब ये एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं? जैसे हमारे सोलर सिस्टम में ये 8 प्लैनेट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, वैसे बाकी स्टार्स के अराउंड भी देर आर प्लैनेट विच आर रिवॉल्विंग अराउंड। तो द ऑब्जेक्ट्स एक्सो प्लैनेट्स आर थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अदर स्टार्स एक्स्ट्रा सोलार। एक्स्ट्रा सोलार मतलब हमारा सोलर सिस्टम छोड़ के। तो एक्सो प्लैनेट्स आर प्लैनेट्स सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, दे बेसिकली गो अराउंड सम अदर स्टार्स। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि नेकेड आई से आप अराउंड 6,000 स्टार्स देखते हो, तो जो भी स्टार्स हम देखते हैं 60% से ऊपर, मोर देन 60% ऑफ स्टार ऑफ आर गैलेक्सी। वैसे हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। तो मिल्की वे में जितने भी स्टार्स है अराउंड 1 बिलियन 10^9, उसमें से 60% से ऊपर दे आर बाइनरी स्टार्स। बाइनरी मतलब ट्विन। तो एक के जगह पे दो स्टार्स है, हमको इतनी दूर से एक ही स्टार दिखता है। तो नॉर्मली व्हाट वी सी इज वन स्टार। ओके, अभी मैंने बोला कि जो प्लैनेट्स है बाकी स्टार्स के अराउंड जो रिवॉल्व होते हैं उसको क्या बोलते हो? एक्सो प्लैनेट्स। लेकिन स्टार भी तो स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर सकता है ना, बाइनरी सिस्टम। तो दो ऑब्जेक्ट्स है विच कैन रिवॉल्व अराउंड अ स्टार, एक तो प्लैनेट या फिर एक दूसरा स्टार। तो यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, एक तो एक स्टार दूसरे के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है या फिर एक प्लैनेट दूसरे के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो हम देखेंगे दोनों केसेस, हम देखेंगे हाउ डू वी नो। तो एग्जैक्टली हाउ डू वी नो फॉर श्योर दैट द प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग स्टार और नॉट? तो दो ऑब्जेक्ट्स है ना, या तो प्लैनेट या तो स्टार। तो इतना दूर से, अभी कितना दूर से, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, कितना दूर से? फॉर एग्जाम्पल, यू नो विच इज द नियरेस्ट स्टार टू आर सोलर सिस्टम? प्रॉक्सिमा सेंटुरी। यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस टू दैट स्टार? 4.2325 लाइट ईयर्स टू 9 एक्चुअली। तो रफली रफली 4.3 लाइट ईयर। यू नो व्हाट इज लाइट ईयर? इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में लाइट जितना भी ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलते हो? लाइट ईयर। मतलब वो जो प्रॉक्सिमा सेंटुरी आप आज देख रहे हो, वहां का लाइट 4.3 ईयर्स पहले निकला था, आज हमारे पास पहुंचा है।
जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया अबाउट डिस्टेंसेज इन्वॉल्व, लाइट ट्रेवल्स 1 ईयर में लाइट कितना ट्रैवल करता है कैसे फाइंड करोगे? एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। हर दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। हर आवर में कितने मिनट होते हैं? हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 365 × 24 × 60 × 60, दिस इज नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर, मल्टीप्लाइड बाई 3 × 10^8, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, × 4.3, दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्रोक्सिमा सेंटुरी। तो क्वेश्चन ये है कि इतनी दूर से, ये तो मैंने नियरेस्ट स्टार की बात की, बाकी स्टार इससे दूर ही है, तो इतनी दूर से हमको पता कैसे लगेगा कि एक स्टार दूसरे स्टार के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, कि एक प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है? तो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। नंबर वन, प्लैनेट्स खुद का लाइट इमिट नहीं करते, और नंबर टू, प्लैनेट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू स्टार्स। तो ये दो पैरामीटर है विच वी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि एक स्टार स्टार को रिवॉल्व कर रहा है या एक प्लैनेट। तो मास, प्लैनेट्स हैव वेरी लेस मास कंपेयर टू स्टार्स, एंड प्लैनेट्स डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट। तो लो मास एंड नो लाइट आर बोथ यूज टू आइडेंटिफाई प्लैनेट्स। तो एक स्टार के सराउंडिंग में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ये कैसा पता लगेगा? उसका खुद का लाइट नहीं है। नंबर टू, उसका मास बहुत कम है, साइज भी बहुत कम होता है कंपेरेटिवली कंपेयर टू स्टार। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ का साइज कंपेयर टू सन इज वेरी स्मॉल, वो मैंने अभी दिखाया था आपको, वॉज जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, वो खुद सन से बहुत छोटा है, और अर्थ तो जुपिटर से भी बहुत छोटा है। देन सो हाउ डू वी डिटेक्ट? तो क्वेश्चन ये है कि इतने दूर ये स्टार्स है, तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि स्टार्स के अराउंड प्लैनेट है कि नहीं? तो प्लैनेट का डिटेक्शन मेथड इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना सिंपल टेक्निक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप टेलीस्कोप से देखोगे और आपको दिखेगा देखो वहां पे प्लैनेट है। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज सो फार अवे। तो दो तीन मेथड्स आर देयर विच वी यूज, थ्री मेथड्स आर यूज नॉर्मली। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट मेथड। अब ये ट्रांजिट मेथड क्या होता है? वेरी सिंपल थिंग, लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। सपोज इस रूम में मैं सारे लाइट्स बंद कर देता हूँ, सिर्फ एक बल्ब लगाते हैं, स्मॉल बल्ब, और उसके आगे से एक मक्खी जा रही है, फ्लाई। तो फ्लाई क्या करेगा? वो जो बल्ब का लाइट है उसको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। जब भी एक ऑब्जेक्ट एक सोर्स ऑफ लाइट के आगे से पास होता है तो वो कुछ लाइट ब्लॉक करता है, उसको बोलते हो ट्रांजिट मेथड। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिट। आपने ये सुना होगा इन केस ऑफ विनस, वेरी रिसेंटली 2-3 साल पहले विनस का ट्रांजिट हुआ था, और वो तो एक्चुअली आप मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से पेपर पे भी देख सकते थे कि एक डॉट है जो सन के आगे से पास हो रहा है। तो जब भी ऑब्जर्वर, जैसे हम ऑब्जर्वर है, सन के आगे से जब विनस पास होगा तो विनस क्या करेगा? लाइट को ब्लॉक करेगा। तो हमको दिखता है, सी द आइडिया इज, एक सोर्स में से, चाहे वो लाइट का बल्ब हो चाहे वो सन हो, वहां से लाइट आ रहा है, हम लाइट मेजर कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, कोई तो एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको नॉर्मली टेलीस्कोप से हम मेजर करते हैं। और उसके आगे से, उस स्टार के आगे से अगर कोई एक प्लैनेट पास हो गया तो वो क्या करेगा? लाइट को ब्लॉक कर देगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिट मेथड। तो यहाँ पे जो आप एक पीपीटी काइंड ऑफ देख रहे हो, यू कैन सी देयर इज अ प्लैनेट। ये देखो, एक प्लैनेट है जो एक स्टार के आगे से पास होगा। हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया है, वाई एक्सिस पे ब्राइटनेस और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो जैसे ही प्लैनेट इस स्टार के आगे आया, उसने क्या किया? लाइट को ब्लॉक कर दिया। तो जो पहले ब्राइटनेस हमको ज्यादा मिल रहा था, अब लाइट ब्लॉक होने की वजह से, यू कैन सी, पहले ब्राइटनेस ज्यादा था, जैसे ही ये प्लैनेट स्टार के आगे आया तो यहाँ पे ब्राइटनेस हो गया कम 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 कम, एंड देन जैसे ही प्लैनेट बाहर निकलेगा वापस से ब्राइटनेस विल इंक्रीज। जिस पॉइंट पे व्हेन दिस प्लैनेट कम्स अक्रॉस द स्टार, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंग्रेस। जैसे ही प्लैनेट आ गया, क्या बोलते हैं इसको? इंग्रेस। एंड व्हेन इट लीव्स, इसको बोलते हैं इग्रेस। तो यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा इग्रेस, पॉइंट ऑफ इग्रेस। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स टू फाइंड आउट प्लैनेट्स। इतना दूर बैठ के विद द हेल्प ऑफ डेटा
जो लाइट एक स्टार इमिट कर रहा था उसके आगे से छोटा सा प्लैनेट पास हुआ, उसने कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को ब्लॉक कर दिया, तो कितना ब्लॉक हुआ, ये 3-4% भी नहीं होता है, हार्डली 4-5%। तो फ्रॉम दैट सी ब्राइटनेस जैसे डिक्रीज होगा, दिस ब्राइटनेस वी कैन मेजर, द चेंज इन ब्राइटनेस वी कैन मेजर, एंड यहाँ से इनफैक्ट सिर्फ इतने से लाइट ब्लॉकिंग से हम प्लैनेट का साइज पता कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज साइज ऑफ प्लैनेट, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज मास ऑफ प्लैनेट एज वेल। तो ये पहला मेथड है। और ये जो कर्व आप देख रहे हो, दिस कर्व इज कॉल्ड एज लाइट कर्व। आई विल शो यू सम मोर स्लाइड्स। अब ये तो मैंने एक प्लैनेट के लिए प्लॉट किया है, बट जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, इन आर सोलर सिस्टम वी हैव अराउंड 8 प्लैनेट्स, तो बाकी स्टार्स के अराउंड भी 2, 3, 4, 5 प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा प्लैनेट हुआ तो सी व्हाट हैपेंस इज, पहले लाइट ब्लॉक हुआ, फिर वापस बढ़ गया, फिर वापस लाइट ब्लॉक हुआ, फिर वापस लाइट बढ़ गया। तो पहले प्लैनेट ने जिसका साइज बड़ा था, इसने लाइट को ब्लॉक कर दिया, लाइट इज ब्लॉक। फिर दूसरा प्लैनेट आएगा, वो वापस लाइट को ब्लॉक करेगा, तब तक पहला प्लैनेट पास हो गया, लाइट वापस बढ़ गया, तो ऐसा चलता रहेगा। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, द डिफरेंस इज ओनली दिस, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बार डेप्थ मिलेगा, और इन दिस केस यू विल फाइंड मल्टीपल डेप्थ। तो मल्टीपल डेप्थ से आप बता सकते हो कि एक प्लैनेट था कि दो थे कि तीन थे कि चार है कि पांच है। तो दिस इज अ टेक्निक कॉल्ड एज ट्रांजिट, तो ये ट्रांजिट मेथड है। देन अब द आइडिया हियर इज, देखो बहुत बार होता क्या है, एज यू नो हमारा जो नियरेस्ट स्टार है, विच इज नियरेस्ट स्टार टू अस, अच्छा सन, अस अर्थ से, हाँ नियरेस्ट स्टार इज सन। तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्टार्स हैं, और अगर आप नाइट स्काई में देखोगे, क्लियर नाइट स्काई, सिटी के बाहर जाना पड़ेगा आपको, सिटी के अंदर से देखोगे तो बिकॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन यू मे नॉट बी एबल टू सी डिफरेंट कलर्स, बट देर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ स्टार्स। वेल बाय द वे, कलर स्टार का कलर आपको बहुत सारा डेटा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेड कलर का स्टार है तो उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं एम ड्वार्फ, इट इज बेसिकली वेरी ओल्ड स्टार, बहुत कूल होता है वो, टेम्परेचर बहुत कम होता है। ब्लू हुआ तो इट इज वेरी हॉट स्टार, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, एग्जाम्पल 30,000 केल्विन सरफेस टेम्परेचर। और रेड कलर का स्टार जो होता है उसका 2,500 से 4,000 केल्विन के बीच में होता है। और हमारा स्टार, विच कलर डू यू सी, येल्लो। तो हमारा जो स्टार है वो यंग है, जैसे ह्यूमन साइकिल होता है, हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर एडल्टहुड में आते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। तो सेम साइकिल होता है स्टार्स का, दे आर बॉर्न। तो ब्लू कलर के स्टार, दे आर वेरी यंग, टॉडलर्स, जस्ट बॉर्न, बेबी स्टार्स, बट वेरी हॉट, 30,000 केल्विन के आसपास सरफेस टेम्परेचर। देन इन देयर यंग एज, जैसे हमारा सन, सरफेस टेम्परेचर इज अराउंड 6,000 केल्विन, टू बी प्रिसाइज 5,800 केल्विन। फिर जब स्टार्स बिकम ओल्डर एंड ओल्डर, तो उनका टेम्परेचर कम होते जाता है, तो रेड कलर का स्टार मोर और लेस आर डाइंग स्टार। अब देखो होता ऐसा है, यहाँ पे हमने एक स्टार के सामने तीन प्लैनेट्स पास हो रहे थे तो उसका ग्राफ प्लॉट किया, बट इमेजिन हमारे पास दो सेम साइज के प्लैनेट है, जैसे दो जुपिटर है, लेकिन स्टार अलग अलग है, एक बड़ा स्टार है एक छोटा स्टार है। तो इस ग्राफ में एज यू कैन सी दो स्टार्स है, एक है जी ड्वार्फ, मैं इस पे आऊंगा, एम जी का मतलब क्या है बाद में समझेगा आपको। यहाँ पे एक छोटा स्टार है, हाफ ऑफ द सोलर रेडियस हमारे स्टार से आधे साइज का, और एक बड़ा स्टार है हमारे स्टार के साइज का, सन के साइज का। इन दोनों के आगे से सेम साइज का प्लैनेट पास हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर। तो दोनों ही केस में ये प्लैनेट क्या करेगा, लाइट को ब्लॉक करेगा। बट इफ यू सी द कर्व, अगर आप कर्व देखोगे तो बड़ा जो स्टार है ये ज्यादा लाइट इमिट कर रहा था, और छोटा स्टार क्या कर रहा था, लेस लाइट इमिट कर रहा था। तो जब इस बड़े स्टार के आगे से एक प्लैनेट पास होगा तो लाइट ब्लॉक होगा, लेकिन कम लाइट ब्लॉक होगा बिकॉज साइज इज ग्रेटर, और डेप्थ क्या मिलेगा, कम मिलेगा। बट यहाँ पे एज यू कैन सी सेम साइज ऑफ प्लैनेट इज पासिंग अक्रॉस द स्टार, यहाँ पे डेप्थ क्या है, ज्यादा है। तो इनफैक्ट इनफैक्ट नॉट ओनली साइज ऑफ प्लैनेट, यू कैन ऑल्सो हैव अ गेस ऑफ साइज ऑफ स्टार ऑल्सो। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिट मेथड। तो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ से
करोड़ों किलोमीटर दूर एक स्टार है, उसके सामने एक प्लैनेट पास हो रहा है, एंड यू आर फाइंडिंग आउट प्लैनेट्स, प्लैनेट के साथ साथ प्लैनेट का मास भी फाइंड कर रहे हो, उसका साइज भी फाइंड कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और एक प्लैनेट है, दो है, तीन है, वो भी बता रहे हो। बट प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि हमेशा ऐसा तो होगा नहीं कि स्टार के आगे स्टार ही है, सॉरी प्लैनेट है, बाइनरी सिस्टम भी होता है जिसमें दो स्टार होते हैं, तो हो सकता है एक स्टार, वन स्टार इज पासिंग इन फ्रंट ऑफ अदर। तो उस केस में एज यू कैन सी यहाँ पे दो स्टार है, ये जो रेड कलर का स्टार है इट इज ओल्ड स्टार, ओल्ड स्टार मतलब कूल स्टार, कूल स्टार मतलब लाइट ये कम इमिट करेगा, और दूसरा जो है मोर और लेस ये ब्लूइश है, व्हाइटिश, मतलब बेसिकली दिस इज यंग स्टार। तो ये व्हाइट कलर का जो स्टार आप देख रहे हो इट इज वेरी यंग, वेरी यंग मतलब वेरी हॉट, वेरी हॉट मतलब इट इज इमिटिंग अ लॉट ऑफ लाइट। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, पिछले केसेस में प्लैनेट था, यहाँ पे दो स्टार है, तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज जब ये बड़ा स्टार छोटे स्टार के सामने आएगा तो मैक्सिमम लाइट ब्लॉक कर देगा, देखो मैक्सिमम लाइट ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा डेप्थ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टार ज्यादा लाइट इमिट कर रहा है उसके सामने क्या आ गया, बड़ा स्टार, और बड़ा स्टार क्या है, कूल है, कूल मतलब लाइट क्या कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है। तो यू विल सी अ डीप शैलो हियर, एक डेप्थ मिलेगा। जब उल्टा होगा, उल्टा भी हो रहा है ना, दिस हॉट स्टार व्हाइट स्टार इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ रेड वन, तो वो रेड का लाइट को ब्लॉक करेगा, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक छोटा डेप्थ मिलेगा। तो जब आपको ऐसे दो डेप्थ मिले अलग अलग से, तो दिस इज अ सिग्नेचर कि यहाँ पे प्लैनेट नहीं है, इट इज अ बाइनरी सिस्टम। तो ऐसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टार स्टार सिस्टम है या स्टार प्लैनेट सिस्टम है। दिस इज वन मेथड, तो सिर्फ एक मेथड है नहीं, देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो, हर जगह पे ट्रांजिट मेथड काम नहीं करता, उसका सिंपल सा रीजन है। इमेजिन इमेजिन आप एक स्टार को देख रहे हो और स्टार के आगे से प्लैनेट पास हुआ तो लाइट ब्लॉक करेगा, लेकिन अगर उस प्लैनेट ने लाइट ब्लॉक ही नहीं किया, मतलब ट्रांजिट किया ही नहीं, ऐसा भी तो जा सकता है ना। यू आर लुकिंग, आप स्टार को देख रहे हो और सामने से जाने की जगह पे ऐसा सर्कल ले रहा है, वो लाइट ब्लॉक होगा नहीं, तो ट्रांजिट मेथड वहां चलेगा नहीं। तो ट्रांजिट मेथड इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो दो और मेथड है, उसमें से जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, तो बिफोर वी मूव अहेड टू नेक्स्ट मेथड, अगला मेथड पे जाने से पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज स्पेक्ट्रा, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। अभी टेक्निकल डिटेल्स में हम जाएंगे नहीं, जस्ट टू टेल यू, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट या फिर एक बल्ब का लाइट अगर आप एक प्रिज्म से पास करते हो तो व्हाट डू यू सी, सेवन कलर्स। नॉर्मली ये सेवन कलर्स कंटिन्यूअसली होते हैं, विब्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इसको बोलते हो स्पेक्ट्रा। मतलब कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट जैसे सन, जैसे कोई भी स्टार, इट इमिट्स स्पेक्ट्रा, और स्पेक्ट्रा में नॉर्मली आपको सात कलर दिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वॉयलेट एंड इट एंड्स एट रेड, राइट। तो बेसिकली स्पेक्ट्रा क्या होता है कि कोई भी हॉट बॉडी नॉर्मली कलर इमिट करता है, उसको आप बोलते हो स्पेक्ट्रा। अगर आपने हॉट बॉडी का लाइट एक प्रिज्म से पास कर दिया तो आपको एक कंटिन्यूअस कलर्स दिखेंगे, उसको आप बोलोगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कभी कभी होता क्या है कि अगर मैं गैस को हीट करता हूँ, इफ यू हीट गैसेस, तो आपको कंटिन्यूअस कलर नहीं दिखते, आपको दिखेगा रेड, फिर बीच में गैप होगा, फिर दिखेगा ऑरेंज, फिर गैप होगा, फिर आपको दिखेगा येलो, फिर गैप होगा, फिर दिखेगा आपको ब्लू, उसको आप बोलते हो इमिशन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यू डू नॉट बेसिकली सी, यू डू नॉट बेसिकली सी कंटिन्यूअस लाइन्स, बट यू कैन सी ओनली फ्यू लाइन्स, तो ब्लैक बैकग्राउंड पे आपको कुछ लाइन्स दिखेंगे, इसको बोलते हो इमिशन स्पेक्ट्रम। रिमेंबर ब्लैक बॉडी मतलब, ब्लैक बॉडी मतलब बल्ब, जैसे स्टार हॉट बॉडी, वो क्या करता है, वो सारे कलर इमिट करता है। अगर मैं गैस को हीट करता हूँ तो गैस क्या करता है, ओनली फ्यू कलर्स इमिट करेगा, सारे के सारे नहीं करेगा। अब इमेजिन मेरे पास एक हॉट बॉडी है जैसे स्टार, उसके आगे हमने गैस को रख दिया और ये गैस कोल्ड गैस है, तो क्या होगा, ये पूरा एनर्जी किसके पास गया, गैस के पास, तो कोल्ड गैस क्या हो गया, हॉट, उसने क्या कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया वो कहाँ जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो देखो हमारे पास एक हॉट बल्ब है, स्टार या फिर एनी हॉट बल्ब,
उसके आगे क्या रखा है, कूल गैस। तो जब हॉट बल्ब हो तो वो क्या इमिट करता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। उसके आगे अगर कूल गैस हुआ तो कूल गैस क्या करेगा, गैस एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन गैस सारे कलर्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है, गैस कैन एब्जॉर्ब ओनली फ्यू कलर। तो जब आप हॉट बल्ब के आगे कूल गैस रखोगे, फिर प्रिज्म में से पास करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिखेगा, लेकिन बीच में क्या दिख रहा है आपको, ब्रेक्स। इस ब्रेक, ये जो लाइंस मिसिंग है, इसको बोलते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन क्यों, किसने एब्जॉर्ब किया लाइट को, कूल गैस ने, तो इसको क्या बोलते हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अगला टेक्निक समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए तीन टाइप के स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट प्लैनेट विद कॉम्बिनेशन ऑफ वन मोर मेथड। आप में से कुछ लोगों को याद होगा डॉपलर इफेक्ट, मैंने अभी 5-6 दिन पहले बताया था। जिनको नहीं पता, कोई बिग डील नहीं है, सिंपल सा आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ बैठे हैं, या फिर आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन आ रहा है, हॉर्न बजाते बजाते होता क्या है, ट्रेन का जो हॉर्न है उसका साउंड बढ़ते जाता है, सुना होगा, लाउडनेस बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और जब ट्रेन पास हो गया तो वही साउंड कम हो गया। तो जब हमारे पास साउंड का सोर्स हमारे पास में आ रहा था तो हमको साउंड सुनाई देता है ज्यादा, और जब पास हो जाता है तो सुनाई देता है कम। ये सेम चीज होती है लाइट के लिए, साउंड को सुनते हो, लाइट को देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपको 3 नंबर याद रखने पड़ेंगे। रेड लाइट का वेवलेंथ कितना पता है, 700 नैनोमीटर। ब्लू का कितना, 450 नैनोमीटर रफली रफली, और येलो 580 नैनोमीटर रफली रफली। इमेजिन इमेजिन, हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो येलो लाइट इमिट कर रहा है, लेकिन वो सोर्स ऑफ लाइट स्टेशनरी नहीं है, वो मूविंग है, मतलब मूव हो रहा है। तो एज यू कैन सी, ये सोर्स ऑफ लाइट इमिट कर रहा था येलो कलर, लेकिन अगर वो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर से, मैं देख रहा हूं और लाइट का सोर्स दूर जा रहा है मुझसे, वो भले ही येलो लाइट इमिट करेगा, लेकिन मुझे दिखेगा क्या, रेड कलर। और जिसके पास में जा रहा है उसको क्या दिखेगा, वो ब्लू कलर। देखो आपको कलर चेंज होते हुए दिखेगा। ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट था, पहले ब्लू कलर दिख रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहा है तो कलर किस में चेंज हो गया, रेड में। और यहाँ रेड दिख रहा है, जैसे जैसे सोर्स पास में आया तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, ब्लू। इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट और इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। मतलब जैसे साउंड का केस था, अगर आपके पास एक साउंड सोर्स है जो आपके पास में आ रहा है तो साउंड का इंटेंसिटी बढ़ गया, और दूर जाते साउंड का इंटेंसिटी कम हो गया। वैसे कलर के केस में, अगर आपसे एक लाइट का सोर्स दूर जा रहा है तो वो येलो लाइट भी इमिट कर रहा होगा, तुमको दिखेगा रेड, और अगर वो रेड लाइट इमिट कर रहा होगा तुमको दिखेगा ब्लू। तो इसको ब्लू शिफ्ट और क्या बोलते हो, रेड शिफ्ट। तो ये कब होता है, जब एक सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास में आए या फिर हमसे दूर जाए। अब इसका, इसको भी डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, सिर्फ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट है। तो याद रखना, येलो कलर विल अपियर रेड इफ द सोर्स इज गोइंग अवे, एंड येलो कलर विल अपियर ब्लू इफ द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स। इन दोनों मेथड्स को, स्पेक्ट्रम को और डॉपलर शिफ्ट को कंबाइन करके, दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी मेथड। तो नॉर्मली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैंने आपसे पूछा हु इज रिवॉल्विंग, अर्थ इज रिवॉल्विंग सन और सन इज रिवॉल्विंग अर्थ, पार्शली करेक्ट। इमेजिन हमारे पास एक ऐसा सोलार सिस्टम है जिसमें एक स्टार है और एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जैसे जुपिटर। तो हु विल रिवॉल्व हु, प्लैनेट विल रिवॉल्व स्टार, ऐसा होता नहीं है। दोनों, बोथ ऑफ देम आर मूविंग अराउंड अ कॉमन पॉइंट जिसको आप बैरी सेंटर बोलते हो, क्योंकि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर स्टार प्लैनेट पे फोर्स लगा रहा है तो प्लैनेट भी स्टार पे फोर्स लगाएगा, तो बोथ ऑफ देम मूव। तो अगर आप अच्छे से देखोगे, ये बड़ा सा स्टार आपको दिखेगा, ये बड़ा सा स्टार, दिस बिग स्टार, व्हाट इट इज डूइंग, ये भी मूव हो रहा है, इट इज मूविंग अराउंड सम कॉमन सेंटर, और प्लैनेट भी मूव हो रहा है, तो वो दोनों के दोनों मूव हो रहे हैं। तो आइडियली इन रियलिटी स्टार स्टेशनरी होता नहीं है, स्टार इज ऑल्सो मूविंग। स्टार भी क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, लेकिन उसका रिवोल्यूशन का ऑर्बिट इज वेरी स्मॉल। तो प्लैनेट भी मूव होगा और स्टार भी मूव होगा, तो दोनों क्या है, मूविंग है, बराबर। स्टार मतलब सोर्स ऑफ लाइट। अभी आपने देखा, अगर लाइट का सोर्स आपसे दूर जाए तो क्या होता है, रेड शिफ्ट। अगर स्टार का सोर्स आपके पास, लाइट का सोर्स आपके पास में, तो क्या होता है,
लूज शेप। और आपने अब भी देखा स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कौन इमिट करता है, हॉट बॉडी जैसे कि बल्ब या फिर स्टार। तो यहाँ पे जो स्टार है वो क्या इमिट कर रहा है, स्पेक्ट्रम। ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ना ग्रीन लाइंस, ये ग्रीन लाइंस तब अगर स्टार मूव नहीं होता, स्टार अगर मूव नहीं होता, अगर मैं 1 सेकंड के लिए इसको इसके मोशन को पॉज कर दूं तो हमको स्टेशनरी स्पेक्ट्रम दिखेगा। तो ये जो लाइंस है ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन का मतलब अगर स्टार मूव नहीं होता तो हमको ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता, लेकिन स्टार क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। स्टार मूव रहा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो रहा है, या तो वहां शिफ्ट होगा या फिर यहाँ शिफ्ट होगा डिपेंडिंग ऑन स्टार। देखो क्या हो रहा है, स्टार इज रिवॉल्विंग, आप वहां से देख रहे हो तो स्टार जब आपके पास आएगा, पास आएगा, पास आना ब्लू शिफ्ट होता है कि रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। तो जब आपके पास आएगा तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ब्लू, और जब दूर जाएगा तो क्या होगा, रेड। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम ही शिफ्ट होता है फिर। अगर स्टार मूविंग नहीं होता तो आपको ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता, स्टेडी, स्टेशनरी, नो मोशन। लेकिन स्टार खुद ही मूव होगा तो फिर आपको स्पेक्ट्रा क्या मिलेगा, मूविंग। तो स्पेक्ट्रा जिस स्पीड से मूव होगा वो स्पीड से आप बता सकते हो कि वहां पे प्लैनेट है कि दूसरा कोई स्टार है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट स्पेक्ट्रा, मतलब आप स्टार का लाइट कलेक्ट करते हो, प्रिज्म में से पास कर देते हो और चेक करते हो कि वो स्टेशनरी है कि मूविंग है। अगर मूविंग है तो कितने स्पीड से मूविंग है, अगर बहुत फास्ट मूविंग है तो स्टार इज रिवॉल्विंग स्टार, स्लो मोशन है तो प्लैनेट इज रिवॉल्विंग स्टार। इसको बोलते हो रेडियल वेलोसिटी मेथड। मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। देन यहाँ पे मैंने वापस उसी का एक और इमेज में बताया है, ये ग्रीन डॉट इज ऑब्जर्वर, मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फ्रॉम अर्थ, लेट अस से दिस ग्रीन डॉट इज अस, ये एक प्लैनेट है, ये एक स्टार है। तो स्टार इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अबाउट द सेंटर एंड प्लैनेट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग। तो अगर आप देखोगे नीचे तो आपको लाइन शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, तो यू कैन सी दिस शिफ्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी मेथड। इंटरेस्टिंगली एक्सीडेंटली, फिजिक्स में बहुत सारे डिस्कवरी एक्सीडेंटल ही है, 12th में भी समझेगा आपको, वेन एवर यू विल स्टडी 12th। तो जो सबसे पहला एक्सो प्लैनेट था, प्लैनेट आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, इट वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाई दिस सेम मेथड नोन एज रेडियल वेलोसिटी मेथड। उसका नाम है 51 पेगासी। तो ये उसका रेडियल वेलोसिटी डायग्राम है, बहुत टेक्निकल है। देखो वेलोसिटी मेजर किया है, तो मैंने आपको अभी बताया कि क्या मेजर करते हो तुम, स्पीड। किसका स्पीड, इस स्पेक्ट्रम के शिफ्ट का स्पीड। बहुत टेक्निकल है, दैट इज व्हाई आई विल नॉट गो इन टू इट। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर स्टार मूव नहीं होता तो आपको ऐसा ग्राफ मिलता नहीं, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता आइडियली। तो दिस वॉज द फर्स्ट डिटेक्टेड एक्सो प्लैनेट। देन तीसरा मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। तो तीसरा मेथड समझने के लिए लेट अस टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज सोलार इक्लिप्स। सुना है सोलार इक्लिप्स, यू नो व्हाट इज सोलार इक्लिप्स, क्या होता है? अर्थ और सन के बीच में आता है मून, तो मून क्या करता है, सन का लाइट ब्लॉक करता है। तो मैंने एक सिर्फ आपको एक डायग्राम से समझाया है, अर्थ, सन और यहाँ पे मून। अगर मून ने सन के लाइट को ब्लॉक कर दिया तो व्हाट हैपेंस इज समथिंग लाइक दिस। ये एक्चुअल फोटोग्राफ वी हैव टेकन व्हेन आई वाज इन चिली, वहां पे आई थिंक 2 जुलाई 2019 टोटल सोलर इक्लिप्स के लिए हम गए थे, तो वो तब का फोटो है, दैट वाज कंप्लीट सोलर इक्लिप्स। तो सन के आगे आ गया मून, उसने कर दिया लाइट को ब्लॉक। आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा डॉट दिख रहा है, यू नो व्हाट इज दिस डॉट, दिस इज अ प्लैनेट। ये छोटा डॉट दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ प्लैनेट। तो तीसरा मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप स्टार के लाइट को ही ब्लॉक कर देते हो, देखो होता क्या है, सिंपल सा एग्जाम्पल, लेट अस टेक वेरी सिंपल एग्जाम्पल। हमारे पास एक बहुत ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट है, उसके आजू बाजू में छोटे छोटे चीजें रखी हुई है, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट, क्योंकि लाइट इतना ब्राइट है कि आपको दिखेगा नहीं। इमेजिन उस लाइट को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, आजू बाजू के जो ऑब्जेक्ट्स है दे स्टार्ट अपियरिंग। तो तीसरे टेक्निक में हम करते क्या है, हम लाइट को ही ब्लॉक कर देते हैं। किसके लाइट को, स्टार के लाइट को, राइट। सिर्फ एग्जाम्पल दिया मैंने इक्लिप्स का, क्योंकि इक्लिप्स में एग्जैक्टली यही होता है, मून क्या करता है, सन के लाइट को कर देता है ब्लॉक, राइट।
तो जैसे ही सनलाइट ब्लॉक हुआ तो उसके आजू बाजू में छोटे प्लैनेट्स अपने आप दिखने लग गए। तो अब दूर के स्टार के तुम ऐसा कर नहीं सकते, कैसे करोगे? वहां पे तो एक्लिप्स दिखेगा नहीं ना। दिस स्टार्स आर सो फार अवे, हमसे इतने दूर है कि हम ये तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप के अंदर ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो जो स्टार का लाइट आ रहा है उसको हम बाय सम टेक्निक लाइट को कर देते हैं ब्लॉक। तो जब आप लाइट को ब्लॉक करोगे तो उसके आजू बाजू के प्लैनेट्स आपको दिखने लगेंगे। देखो यहाँ पे एक स्टार था, इसके लाइट को क्या कर दिया, ब्लॉक। तो जैसे इसके लाइट को ब्लॉक कर दिया तो एज यू कैन सी ये छोटे छोटे ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं आप लोग, दिस ब्लू डॉट्स आर प्लैनेट्स। द आइडिया हियर इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्टार, उसके लाइट को क्या कर दिया हमने, ब्लॉक। लाइट ब्लॉक करने से क्या हुआ, उसके आजू बाजू छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से दे स्टार्ट अपियरिंग। इसको बोलते हैं डायरेक्ट इमेजिंग। क्या बोलते हैं इसको, मतलब तुमने डायरेक्ट प्लैनेट का फोटो ही निकाल लिया। यहाँ पहले मेथड में हमने देखा ट्रांजिट, जब एक छोटा प्लैनेट एक स्टार के आगे से पास होगा तो वो लाइट को टू सम एक्सटेंट ब्लॉक करेगा और हम वो मेजर करते हैं। दूसरे में हमने देखा रेडियल वेलोसिटी मेथड, जिसमें स्पेक्ट्रम शिफ्ट होता है। तीसरा मेथड है जिसमें आप स्टार के लाइट को ब्लॉक कर देते हो और आप सिर्फ आजू बाजू का फोटो निकालते हो, उसको बोलते हो डायरेक्ट इमेजिंग। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, HR 8799 प्लैनेटरी सिस्टम, जिसमें हमने डायरेक्टली फोटोग्राफ निकाला है, डायरेक्ट इमेजिंग बोलते हैं इसको, डायरेक्टली फोटोग्राफ निकाला है ऑफ प्लैनेट्स अराउंड दैट स्टार। और यहाँ पे स्टार का सिंबल दिखाया है क्योंकि स्टार को एक्चुअली यहाँ से ब्लॉक कर दिया उसके लाइट को। तो वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। देन अब नॉर्मली हमारा जो सोलार सिस्टम है उसमें सीन कैसा है, सबसे पहले है मर्क्यूरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स। फिर मार्स के बाद आपको पता होगा एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। लेकिन हमारा सोलर सिस्टम ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। एज यू कैन सी छोटे छोटे प्लैनेट्स स्टार के पास में है और बड़ा प्लैनेट जुपिटर वो बहुत दूर है। लेकिन अब तक के जो डिटेक्टेड मैक्सिमम डिटेक्टेड प्लैनेटरी सिस्टम है, हमारा प्लैनेटरी सिस्टम छोड़ के, वहां पे व्हाट वी हैव सीन इज बड़े बड़े प्लैनेट्स, वेरी बिग प्लैनेट्स, दे आर वेरी नियर टू देयर स्टार्स। अब जुपिटर, हमारे केस में जुपिटर बहुत दूर है। जुपिटर साइज के जो प्लैनेट्स हमने फाइंड किए उसको हम लोग बोलते हैं जुपिटर लाइक। अर्थ साइज के फाइंड करोगे तो अर्थ लाइक, नेपच्यून साइज के फाइंड करोगे तो नेपच्यून लाइक। तो बाकी सोलार सिस्टम, बाकी के जो प्लैनेटरी सिस्टम है वहां पे हमको ये देखने को मिलता है, व्हाट वी सी इज वेरी बिग प्लैनेट्स ऑफ द साइज ऑफ जुपिटर, दे आर वेरी क्लोज। हमारे केस में जुपिटर बहुत दूर है, लेकिन बाकी प्लैनेटरी सिस्टम के केस में वेरी बिग प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू देयर पेरेंट स्टार। जितना पास में आएगा टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा, इसलिए इसको क्या बोला है, हॉट जुपिटर। तो ये हमारा सोलार सिस्टम है और नीचे क्या है, अदर प्लैनेटरी सिस्टम। सो इन अदर प्लैनेटरी सिस्टम व्हाट वी सी इज दैट वेरी बिग प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू देयर पेरेंट स्टार, और ऐसे प्लैनेट्स को हम लोग बोलते हैं हॉट जुपिटर। क्यों? क्योंकि साइज इज ऑफ जुपिटर एंड दे आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, द टेम्परेचर इज वेरी हाई, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज हॉट जुपिटर्स। ओके देन, तो ये सब क्यों, अगर आप देखोगे तो इस टॉक का टाइटल ही था एक्सोप्लैनेट्स, एलियन वर्ल्ड्स। तो डेफिनेटली क्वेश्चन ये है कि डू अदर प्लैनेट्स ऑल्सो हैव लाइफ? एलियन नाम सुना तो दिमाग में वही चीज होता है ना, हम बाकी प्लैनेट्स क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमको पता करना है वहां पे लाइफ है कि नहीं, और लाइफ है तो हमसे इंटेलिजेंट है कि हमसे कम है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलग अलग प्लैनेट्स पे लाइफ ढूंढते हैं, वी ट्राई टू फाइंड द फॉर्म ऑफ लाइफ दैट वी नो। अर्थ पे जीने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो एग्जैक्टली कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो हमको लाइफ का फॉर्म क्या पता है, वी नो दैट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट वी नीड वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये जो प्लैनेट्स हम लोग फाइंड करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट कि उस प्लैनेट पे ऑक्सीजन और वाटर है या नहीं, अगर है तो लाइफ के चांसेस है, नहीं है तो लाइफ के चांसेस नहीं है। तो टू फाइंड लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर एंड ऑक्सीजन। एंड हमको पता कैसे लगेगा कि वाटर है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक, स्पेक्ट्रा। देखो अभी स्पेक्ट्रा, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं फटाफट से सिर्फ स्पेक्ट्रा इंट्रोड्यूस करूंगा, बाकी इसमें हम जाएंगे नहीं। तो स्पेक्ट्रा मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया
जस्ट नाउ वी हैव सीन व्हाट इज स्पेक्ट्रा। तो अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट का बल्ब ये सारे ही कलर इमिट कर रहा था, उसके आगे तुमने रख दिया गैस, गैस ने क्या किया, कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जब आप दवाई लेते हो उसमें लिखा होता है कैल्शियम है, ये है वो है, तुमको कैसे पता, यही टेक्निक यूज होता है। वो दवाई को आप पानी में मिक्स करके उसके आगे एक लाइट का सोर्स रख देते हो, उस लाइट को इस सॉल्यूशन से पास करते हो तो कुछ कुछ कलर हो जाते हैं एब्जॉर्ब। जैसे वाटर विल ओनली एब्जॉर्ब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म करते हो ना, कैसे गर्म होता है पता है, उस पर लिखा भी होता है, क्या लिखा होता है, डू नॉट कीप स्टील प्लेट्स। और जिस खाने के प्रोडक्ट में पानी नहीं वो गर्म नहीं होगा। द आइडिया इज वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब माइक्रोवेव एंड दे स्टार्ट रोटेटिंग, जब रोटेट होंगे तो कोलिजन होगा, कोलिजन होता तो क्या होता है हीट। तो आइडिया ये है कि जब आप एक स्पेक्ट्रम एक मटेरियल से पास कर रहे हो, अगर उस मटेरियल में वाटर हुआ तो वो कौन सा वेव एब्जॉर्ब करेगा, माइक्रोवेव। एग्जैक्टली। तो अगर हमको पता करना है कि इतने दूर जो प्लैनेट्स है वहां पर लाइफ है या नहीं, तो हमको वाटर ढूंढना है। वाटर ढूंढना है तो क्या होता है, देखो दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। व्हाट हैपेंस इज जब भी अभी मैंने आपको बताया ट्रांजिट, याद है ट्रांजिट, व्हाट इज ट्रांजिट, जब एक स्टार के आगे से एक प्लैनेट पास होगा, अगर एक स्टार के आगे से एक प्लैनेट पास होता है और अगर उस प्लैनेट में एटमोसफेयर हुआ, जैसे अर्थ का एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो होगा क्या, प्लैनेट तो पास हो रहा था उसने तो लाइट ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसके एटमॉस्फेयर ने लाइट को क्या किया, पास किया। लेकिन पास करने के साथ साथ अगर वहां पे वाटर मॉलिक्यूल हुए तो वो किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, माइक्रोवेव को। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने तीन प्लैनेट्स लिए, वन ऑफ देम इज जुपिटर। तो जुपिटर से अगर सनलाइट पास हो जाए तो यू विल सी कि वाटर का सिग्नेचर ही नहीं है, क्या है सबसे ज्यादा, CO2। अगर आप अर्थ से पास करते हो सनलाइट को तो आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन, फिर क्या मिलता है, वाटर, फिर क्या मिलता है, वाटर, क्या मिलता है, वाटर। सिमिलरली मार्स से पास करोगे तो अगेन यू गेट सिग्नेचर ऑफ ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब एक प्लैनेट इतना दूर था वो स्टार के आगे से पास हो रहा है तो ट्रांजिट तो हुआ ही, साथ में अगर एटमोसफियर रहा तो वो लाइट को कर लेगा एब्जॉर्ब, और वहां से हमको समझ में आ जाएगा कि वेदर यू हैव ऑक्सीजन और वाटर और नॉट। देखो यहाँ पे भी वही दिखाया है, ये एक स्टार है, इसके आगे से क्या पास हो रहा है, प्लैनेट, प्लैनेट पास हो तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिट इवेंट। और तुम यहाँ से देख रहे हो, यू आर लुकिंग फ्रॉम दैट साइड, ये स्टार था, स्टार के आगे से प्लैनेट पास हुआ, ट्रांजिट हुआ, ट्रांजिट हुआ तो इसके एटमोसफियर से लाइट पास हुआ और हम देख रहे थे यहाँ से, स्टार देन प्लैनेट देन यू आर लुकिंग एट इट। अगर एटमोसफियर है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के सिग्नेचर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया है जिसमें सोडियम और पोटेशियम का सिग्नेचर है, हमारे अर्थ में कौन से सिग्नेचर्स है, ऑक्सीजन एंड, जुपिटर और मार्स में कौन से है, कार्बन डाइऑक्साइड। गुड, नंबर वन फैक्टर था एज आई टोल्ड यू स्पेक्ट्रा, नंबर टू है हैबिटेबल जोन। अभी हैबिटेबल जोन का सिंपल सा मतलब ये होता है कितने डिस्टेंस पे एक प्लैनेट को होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थ को हम आगे लेके गए, वैसे लेके जा नहीं सकते, जस्ट सेइंग, मर्क्यूरी की जगह पे रख दिया तो क्या होगा, गए, क्यों गए, टेम्परेचर इज सो हाई। तो वाटर को लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होने के लिए स्टार से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक प्लैनेट को होना चाहिए, ज्यादा पास में आया गया वाटर विल इवोपरेट, टेम्परेचर विल बिकम टू हाई, ज्यादा दूर गया तो फ्रीजिंग, टेम्परेचर विल फॉल बिलो माइनस, इट विल गो इन टू नेगेटिव रेंज। तो इसको बोलते हो हैबिटेबल जोन, परफेक्ट डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम इट्स स्टार सो दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। तो दो चीजें मैटर करती है, एक है स्पेक्ट्रा, दूसरा है हैबिटेबल जोन। तो लाइफ ढूंढना है तो वाटर और ऑक्सीजन ढूंढो, और एडिशनली वो मिलेगा आपको स्पेक्ट्रा से, एडिशनली डिस्टेंस विल ऑल्सो मैटर, वो प्लैनेट कितना दूर है, ज्यादा पास आया तो टू हॉट, ज्यादा दूर गया तो टू कोल्ड, और अगर इन बिटवीन है तो इट इज जस्ट एट द राइट डिस्टेंस। तो अब डेफिनेटली ब्लू कलर के स्टार दे आर हॉटर स्टार्स, तो हॉट स्टार है तो प्लैनेट्स को थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा फॉर वाटर टू एग्जिस्ट इन
लिक्विड फॉर्म। तो अगर आप देखोगे हॉट स्टार के लिए हैबिटेबल जोन कहाँ है, थोड़ा सा दूर है, और कोल्ड स्टार के लिए हैबिटेबल जोन, ये ग्रीन कलर का पैच मतलब क्या है, हैबिटेबल जोन, दिस ग्रीन पैच इज व्हाट, हैबिटेबल जोन। तो फॉर कूल स्टार्स, कूलर स्टार्स, हैबिटेबल जोन इज नियर, एंड फॉर हॉटर स्टार्स हैबिटेबल जोन इज फार अवे। गुड, तो बाकी स्लाइड्स आई विल स्किप, आई विल जस्ट एंड यू एंड दिस स्लाइड विथ टू हॉरिबल पॉसिबिलिटीज। सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर वी आर अलोन इन दिस यूनिवर्स या फिर नहीं, इन बोथ केसेस इट इज वेरी डेंजरस। सो टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, इधर वी आर अलोन इन द यूनिवर्स और वी आर नॉट, बोथ आर इक्वली टेरिफाइंग। गुड, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, देन आई विल नाउ लेट संगीता टेक ओवर। संगीता नंदकुमार, आई विल री इंट्रोड्यूस हर, शी इज माई कलीग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एटाकामा चिली साउथ अमेरिका। शी एंड ऑल्सो मी, बोथ ऑफ आस आर वर्किंग ऑन द सेम टॉपिक मोर और लेस, नॉट एग्जैक्टली सेम। शी डिड हर मास्टर्स फ्रॉम क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर एंड लेटर ऑन शी मूव टू चिली। शी विल बिकम डॉक्टरेट इन अ मंथ, उसका अभी नेक्स्ट मंथ डिफेंस ही है। तो संगीता, आई वुड लाइक यू टू टेक ओवर एंड आई विल बेसिकली अलाउ ऑल द परमिशंस फ्रॉम हियर फॉर यू टू शेयर स्क्रीन एंड शेयर योर वीडियो एंड शेयर योर वॉइस एज वेल। संगीता, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. I could unmute myself. मिनट, ऑडियो स्पीकर, पीसी मॉनिटर, डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम। संगीता, कैन यू प्लीज कंफर्म इफ यू कैन हियर मी? I can hear you. Can you hear me? यस, Okay, वी great. कैन ऑल हियर यू, एंड आई हैव टर्न ऑन द परमिशन टू शेयर स्क्रीन एंड योर वीडियो एज वेल। I have switched on my video, but I यार, cannot share my screen because it says that you are sharing your screen, so I cannot share. ओके, स्टॉप शेयरिंग इट फर्स्ट। ऑल राइट, यू कैन ट्राई इट नाउ। सो लेट अस वेलकम संगीता। सो शी विल बी टॉकिंग अबाउट अ सॉफ्टवेयर। देखो, ये सारा फिजिक्स ऐसा ओरली नहीं होता है, थ्योरेटिकल होता है। एडिशनली आपको सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप एक साथ लाखों प्लैनेट्स की बात कर रहे हो, नॉट वन, नॉट टू, नॉट थ्री, थाउजेंड्स एंड लैक्स। तो शी हैज डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज तरंगा। शी विल बी गिविंग यू रफ आइडिया अबाउट वॉट दिस सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट। संगीता, ऑल ओवर टू यू। So thank you, Venkat, for this opportunity, and thank you all for being here to listen to me talk about my work. So as Venkat said, I worked on exoplanets, some on binary stars that he was talking about, but most of my work has been on developing a software called Taranga, which helps in studying exoplanets and binary stars. So he has already given you a very good and detailed introduction to transit method. Just a brief overview is that what in transit method, what we are doing is if when a planet comes in between the star and the Earth, we look for brightness dips, as you can see here. This is from one of the planets. And we look for these brightness dips and we look for planets this way in the transit method. So what happens in transit method is that it is mostly suitable when the planets are very large and they are very near to the star. If they are small, then this brightness dips will be very small and we might miss them when we are looking for planets in the around the star. But what happens if they are very far away? You see this what you can call the distance between two dips. They becomes farther and farther apart, so you will have to observe this star for longer time just to look for two such dips. And one of the most challenging aspect of transit method is that, as Venkat already spoke about it, not all planets are transiting. So even if you observe like 100 transiting Jupiters around, so not transiting, 100 Jupiter-sized planets around a star, you can at the most maybe get 10 of them which are transiting, and it gets even lesser for Earth-sized planets. It is less than one for every 100. So what do you do when you have such small number of
probability of finding planets around by transit method, you would think maybe it's not the right method. But the thing is, it's one of the most successful methods in finding planets. So how do you overcome this challenge? Instead of looking for just few stars, what you do is you just look for many number of stars. What some of the very clever people have done in the last decades is that they took a telescope and they launched it to space. So the telescope can observe the stars uninterrupted due to day. They don't have day and night there. So they can observe all the time. And these are some of the things. I won't go into much details, but these are some of the telescopes they have launched, like Hubble, Kepler. Kepler is one of the most successful, which has found over 2,000 planets by transit method. What I have been working on is TESS. And again, without going into too much of technical details, I will briefly introduce what TESS is. TESS is Transiting Exoplanet Survey Satellite. It was launched to space in 2018 solely to discover exoplanets. It was planned for 2 years, but right now it's been working for five plus years. So it has been quite successful in this discovery of exoplanets. If you want to know more about it, there's always the Wikipedia page. It has all the good details about exoplanets, including the technical and all the number of planets that it has discovered. And what kind of data does TESS give? You don't have to remember what all of these are, and you don't even have to know what all these different colors mean here. But roughly, this black is the brightness curve. This is called PDC-SAP. That is the one that is mostly used in looking for exoplanets. There's also another thing called SAP and background, but those are not so important when you're searching for exoplanet when it comes to the data from TESS. So this is one file. This is the data that we get from one file. But if it's just one file for a star, it is still a problem, but not a very big problem. Because what TESS does is it observes the whole sky in patches called sectors. So here you can see this colorful things. So it TESS fixes itself to one of the part that is the red part here, observes this part for 27 days, and then moves to this part again for 27 days, and so on. And here, if a star falls in this blue region, you get only one file for that star. But if a star falls in this region, you get two files. But and again, if the star falls in this region, it is observed throughout the year, you get 13 files. So you need to take into account, if you have 13, you could have 13 files for a single star, and TESS observes the whole sky, you can imagine the amount of data that we have. It's too much for one, not just one person, even for a group of people to go through each of them to look for exoplanets. So if you have to look at the total amount of data, as I said, it's just too much of data. Even if TESS sends you just select some of the stars and sends data only for those stars, you could have around 27 gigabytes per day. And it's been going on for 5 years. And if just to bring it into context in terms of what we are used to, it could be around 10 to 15 movies in high definition per day. So you cannot just go through each of them in details. You could make mistakes, you can miss a planet, and it is just too much for a person to do manually. And this is where my software comes in. Here, I won't be going into all the things that my software does because it would be too technical, but I would just describe some of just the first step of what it does. It's just preparing the light curves. So what Taranga is, I think you already know. Taranga means waves. But if you just take the first part, Tara, it means star waves. So it looks at star waves and it tries to process them and then look for exoplanets. And it's written mostly in Python. And as I said, it prepares the data from TESS to look for, which helps making discovery of exoplanets easier. It's definitely quicker than doing things manually because you just run the code and it does everything else for you. And again, it also looks for
periodic variations in brightness, which is what we look for in exoplanets. So this is just one example. As I said, PDC-SAP is the one that we use for searching for exoplanets. Here you can see the transit dips, the dips that Venkat was mentioning in his talk. Here you can see this part is one file, and this part is this from the second file. And here there is a very clear jump between the two files. And this is a problem because we know this is not from the star. This is actually when you're observing, there are some fluctuations in the instrument itself from the test that causes variations. And this, when we run other automatic pipelines or pipe codes for to search for these periodic dips, this becomes a huge problem. So what the most basic first step that Taranga does is bring all of this in line. So you can see that it has brought the data from two files into a single line. And now the automatic pipelines or Python codes that other programmers might have written, it can run on this thing, then run on this data and look for this periodic dips and find exoplanets. And as I mentioned, this is not very important for exoplanets, but just for completeness, in the SAP, you can see it is not flattened like the PDC SAP. So you have these trends. So the Taranga takes that into account as well and brings it in a much. Okay. Are you still with us? I think there's something wrong with the connection. So maybe at her end, she has lost internet. So this is the yeah, basic Sangeeta, thing that Taranga does. Sangeeta, you're getting disconnected. Oh. Yeah, okay. Now it is fine. Now it's fine? Yeah. Okay. Where did you see this slide or did I move it to? Yeah, we saw that the previous one we saw. Okay. So this is the very basic thing that Taranga does. The other things it does is actually look for those transiting planets, but that the theory part of it is too much technical. And I know you have a class soon after this, and I don't want to put too much stress on your head after this. And just to show you a few more examples, because when you look at so many stars, you don't just look for exoplanets. You can also find other stars which have other interesting variations. This particular star is known as RR Lyrae. And this is, here also you can see some periodic brightness variations, but this is not from the planet because of planet. It doesn't have other star or planet going around it. But this is due to the star itself growing in size and decreasing in size periodically. This is one such thing you can expect when you're looking at hundreds of thousands of stars. And this is one of the binary stars that Venkat was talking about that in his talk. Here you see that this could sometimes be mistaken for exoplanets, but in this case it's very clear. The depth here is one of the depths is much more deeper than the other depths, which is an indication that it is two stars going around each other and not a planet. But sometimes if it is both the depths are around equal size, you might need to confirm it by another method called radial velocity method, which was again explained in Venkat's talk. So what I really want to stress in this brief talk is not about my software. It's about the importance of learning programming for if you want to have some sort of career in astronomy. Because nowadays the data is just too much in astronomy. We really need to know programming or coding, especially Python, if you want to do research in astronomy. And as soon as you have such large amount of data, statistics also comes into play. So if you want to be an astronomer or do astronomy in the future, it might be really useful if you can learn statistics. And just to make things interesting, maybe you could learn machine learning as well, because nowadays it's really growing to make it easier to search for exoplanets, binary stars, and other things.
And as always, there are many free available resources online that you can learn from, for especially for these three things: programming, statistics, and machine learning. And if you have any questions, you can ask me, especially with regards to coding and other things. Theoretical aspect, I could help you, but I think Venkat is a much better teacher for that, because he is an expert in theoretical part of exoplanet research. So this is where I would like to end. And thank you all for listening to this talk, and hope you got something from it. Thank you, Sangeeta. And we should thank her, because it is around 8:30 a.m. in the morning, if I'm not wrong. We are here at 5 p.m. So, buenos dias, good morning for you, and it's good evening for thank us. Thank you, Sangeeta. And we really are thankful to your talk. It was very informative. So let us stop things here. Thank you so much. Thank you again. Have a good evening, everybody.